यह है हमारा झारखंड, जहां मीलों दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है। न जाने कितनी सरकारें आई और वादों का दौर चलाया, ये वादे कितने ठोस रहे इसे देखने आज हम दौरे पर निकले। थोड़ी दूर बढ़ते ही सरकार के वादे झूठे साबित होने लगे। हमने सुंदर पहाड़ी के अंदर छोटे छोटे आदिवासी बहुल गांव को देखते हुए झारखंड के दिल कहे जाने वाले दमाकोल झरने तक का सफर किया। यहां झरने का लुफ्त उठाने दूर दूर से पर्यटक के तौर पर लोग आते हैं। कई लोग तो हमें ऐसे भी मिले जो महाराष्ट्र से खास तौर पर इस झरने की खूबसूरती को देखने आए थे। अब आप ही सोचिए कि झरने का दृश्य कितना ही मनोरम होगा। अगर आपको गोड्डा से दमाकोल झरने के लिए जाना है तो आप सबसे सही रूट जो कि जमनी, सुंदर पहाड़ी और डमरू हाट होते हुए यहां आ सकते हैं। यहां के गांव के लोगों को और शहर के लोगों को देखकर लगता है जैसे न जाने हम हजार साल पीछे आ गए हों। आज भी लोग कुल्हाड़ी टांग कर खेती और शिकार पर निकलते हैं। अगर आप गांव में घूमेंगे तो मुश्किल से आपको पक्की सड़क मिलेगी। पक्की सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गिट्टी पत्थर रोड पर बिछे होंगे। अगर आप एक बार यहां पहुंच जाते हैं तो फिर आपको रोड की थकान भी महसूस नहीं होगी। ऊपर से पहाड़ियों से बहता पानी देखकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। जंगल के बीचों बीच स्थित इस झरने से काफी शीतल जल बहता है, जिसमें डुबकी लगाकर आपका मन अंदर ही अंदर तर हो जाएगा। जब आप यहां आएंगे तो चिड़ियों की आवाज भी सुनने को मिलेगी, जो वातावरण में अलग सा मधुमेह नशा घोल देगी। हर तरफ से कानों में बस झरने के पानी के गिरने की आवाज ही आएगी। आपका मन वहीं घर बसाने का कर जाएगा। चारों तरफ जंगल और बीच में झरना, और झरने से जब आप अगल बगल का नजारा देखेंगे तो आपकी आंखें आपको पल के झपकाने से भी रोकेंगी। यहाँ के लोग अपनी अलग ही भाषा में बात करते हैं। इनमें से बहुत कम ही लोग को शायद आपकी भाषा समझ आ जाए। फिर भी किसी तरह से पूछते हुए आप यहाँ पहुंच जाएंगे। हेमंत सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराकर इसे एक पर्यटक स्थल घोषित कर यहाँ की सड़कों पर काम करवाए, ताकि लोग ऐसे मनोरम जगह तक सुलभता से पहुंच पाए और यहाँ की भी जनजाति विकसित हो सके। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं।